हेलो मित्रों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास साइंस क्लासेज कठुमर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शराब तंबाकू का सेवन करने से होने वाली हानियों का कुछ अध्ययन किया था। शरीर पर क्या इफेक्ट निकल करके आते हैं, कौन कौन से प्रभाव निकलते हैं, कुछ लतकारी पदार्थों का अपन उपयोग सेवन, उनसे होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी कर रहे थे। आइए उसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अगला जो पदार्थ है अफीम। ओपियम या अफीम, देखिए अफीम क्या होता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो होता है, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनी फेरम अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेपेवर सोमनी फेरम। क्या नाम है? पेपेवर सोमनी फेरम। अफीम के पादप का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या नाम है बेटा? वो पेपेवर सोमनी फेरम। तो अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम होता है। इसको पेपेवर सोमनीफेरम के जो फल होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, कच्चे फलों से प्राप्त करेंगे अफीम को, कच्चे फलों से। इनमें चीरा लगाया जाता है कच्चे फलों में, उसमें से फिर क्या है निकलता है, दूध निकलता है। निकलता है उसको सुखाया जाता है, सुखाने के पश्चात क्या बनता है आपका? अफीम बनता है। वैसे यदि देखा जाए तो अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्किलॉइड पाए जाते हैं। कितने एल्केलॉइड मिलते हैं? 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इनमें से कोडीन, मॉर्फीन, पेपेवरिन ये प्रमुख पाए जाते हैं। इनमें भी कोडीन और मॉर्फीन जो होते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। अफीम या ओपियम को पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फलों से प्राप्त दूध को सुखा करके प्राप्त किया जाता है। इसके दूध में करीबन 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। इनमें से कोडीन, मॉर्फिन, पेपेवरिन, थीवेन, इसमें निकोटीन नहीं पाया जाता है, आदि ये पाए जाते हैं। कोडीन और मॉर्फीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग हम किसमें करते हैं? दर्द निवारक दवा बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। देखिए इफेक्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर पर प्रभाव लोगों के द्वारा अफीम का जो सेवन किया जाता है वो खास करके या तो खुशी या फिर गम के मौके पर अफीम का प्रयोग किया जाता है। गांव में
अफीम के मनुहार की प्रथा आज भी प्रचलित है। आज भी प्रचलित है ये प्रथा। गांव में जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों को सुलाने के लिए भी किसका प्रयोग करती हैं, अफीम का प्रयोग करती हैं। इसके सेवन से बालकों में दर्द वगैरह इन सारी चीज़ों से भी क्या मिलती है, राहत मिलती है। तो ये निश्चित है जहाँ एक और इससे कुछ बेनिफिट हैं तो इनसे नुकसान ज़्यादा हैं, क्योंकि कम उम्र में यदि कोई व्यक्ति कोई किशोर इनका सेवन करने लग जाता है तो सामाजिक या आपराधिक प्रवृत्तियों को वो क्या देता है, जन्म देता है। ऐसी उसमें लत लग जाती है जिससे वो आपराधिक प्रवृत्तियों में उसकी जो रुचि है वो बढ़ने लग जाती है और उन्हीं को वो अधिक मात्रा में क्या देता है, अंजाम देता है। तो देखिए क्या प्रभाव होते हैं, दर्द निवारक, दर्द निवारण के रूप में ऐसे प्रयोग करते हैं, सुखानुभूति, सुखानुभूति, अवसादक, सुखानुभूति, अवसादक और लतकारी ये है ही। तो इनको ऐसे पदार्थों के प्रयोग से किशोरों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्तियों को इसके द्वारा क्या देते हैं, जन्म देते हैं। तो ये रही बात अफीम की, तो प्रमुख दो तीन बातें हैं इसमें से। इसके पादप का वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए एक नंबर के लिए, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पेपेवर सोमनी फेरम। अफीम को किससे प्राप्त किया जाता है, पेपेवर सोमनी फेरम के कच्चे फलों से। अफीम के दूध में कितने प्रकार के एल्कलॉइड मिलते हैं, 30 प्रकार के। कोई दो के नाम बताइए तो कोडिनोर, मॉर्फिन, दर्द निवारक दवा बनाने में अफीम का कौन सा एल्कलॉइड प्रयुक्त किया जाता है, कोडिनोर, मॉर्फिन, ये इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी, दर्द निवारण के रूप में इसे काम में लेते हैं। सुखानुभूति यानी कि सुख की अनुभूति करने के लिए भी सेवन है। और अवसादक लतकारी ये पदार्थ होते हैं जो कि हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को निम्न कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नशीले पदार्थ भी आते हैं, अदर ड्रग्स, अन्य नशीले पदार्थ, अन्य नशीले पदार्थ। देखिए कौन कौन से होते हैं, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, हशीश ये भी, और नशीले पदार्थों में इनकी गिनती की जाती है। एक और विशेष बात, एलएसडी फुल फॉर्म ऑफ LSD, देखिए लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे, लाइसर्जिक एसिड। LSD का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, LSD का पूरा नाम है ये।
एक नंबर का बढ़िया प्रश्न बनता है, एलएसडी का पूरा नाम बताइए। तो क्या नाम है एलएसडी का बेटा? पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। ये अन्य नशीले पदार्थों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इनका प्रयोग करने से भी शरीर पर काफ़ी प्रकार के नुकसान पहुंचते हैं। ये विभ्रमकारी लतकारी पदार्थ कहलाते हैं, विभ्रमकारी, ये विभ्रम ये विभ्रमकारी और लतकारी पदार्थ हैं, लतकारी पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं ये? विभ्रमकारी लतकारी पदार्थ होते हैं। कौन? कोकीन है, भांग है, चरस है, गांजा है, हशीश है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड है। तो ये लतकारी पदार्थ होते हैं। शारीरिक मानसिक सामाजिक, इस प्रकार की क्षतियाँ यानी कि नुकसान हमारे शरीर पर इनके द्वारा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अन्य नशीले पदार्थों में कौन कौन सी चीज़ रखी है अपन ने? कोकीन है, चरस है, गांजा है, हशीश है, एलएसडी है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड है। तो ये विभ्रमकारी लतकारी पदार्थ होते हैं जो शारीरिक मानसिक और सामाजिक क्षति का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। जो कि सामाजिक क्षति का क्या बनते हैं बेटा? कारण बनते हैं। अगला टॉपिक है यहीं से ही, खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट और देखना है उसके कुप्रभाव। देखिए क्या तात्पर्य खाद्य पदार्थों में मिलावट से? किसी खाद्य पदार्थ में किसी खाद्य पदार्थ में गैर जरूरती पदार्थों की मात्रा बढ़ाए जाने या ऐसे बिक्री हेतु अधिक आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से किसी अन्य सस्ते
किसी अन्य सस्ते किसी अन्य सस्ते अखाद्य या हानिकारक पदार्थों का अखाद्य या हानिकारक पदार्थों का या हानिकारक पदार्थों का मिलाया जाना क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। मिलावट यदि अंग्रेजी पढ़ें इसकी एडल्ट्रेशन या मिलावट कहलाता है। तो देखिए दोबारा, खाद्य पदार्थों में मिलावट से क्या तात्पर्य हुआ? अधिक मुनाफा प्राप्त करने की दृष्टि से या अधिक मुनाफा या अधिक लाभ कमाने के लालच से जो दुकानदार होते हैं विभिन्न अपने खाद्य चीज़ों को अपन जो खरीद के लाते हैं, डिब्बे में पैक सामग्री भी लाते हैं, कई सामग्रियाँ खुले रूप में भी अपन क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो कोई भी दुकानदार अपना अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए या अधिक मुनाफे की दृष्टि से उन खाद्य पदार्थों में उन चीज़ों को मिला देता है जो हमारे काम की नहीं होती हैं, अर्थात जिन्हें हम खा नहीं सकते हैं, उनको अखाद्य कहा जाता है, परंतु उनके प्रयोग से वो चीज़ अत्यधिक मूल्यवान और आकर्षक दिखाई देती है। हालांकि वो चीज़ उस पदार्थ की गुणवत्ता को क्या कर देती है? पूर्ण रूप से प्रभावित करती है, गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो ये पदार्थों का मिलाया जाना क्या कहलाता है? मिलावट या एडल्ट्रेशन कहलाता है। दोबारा सुनिएगा, किसी खाद्य पदार्थ में गैर जरूरती पदार्थों की मात्रा बढ़ाए जाने किसी खाद्य पदार्थ में गैर जरूरती पदार्थों की मात्रा बढ़ाए जाने या इसे बिक्री हेतु अधिक आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से किसी अन्य सस्ते अखाद्य या हानिकारक पदार्थों का मिलाया जाना क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है, अर्थात एडल्ट्रेशन कहलाता है। एक बार और सुनिएगा, किसी खाद्य पदार्थ में गैर जरूरती पदार्थों की मात्रा बढ़ाए जाने या इसे बिक्री हेतु अधिक आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से किसी अन्य सस्ते अखाद्य या हानिकारक पदार्थों का मिलाया जाना मिलावट या एडल्ट्रेशन कहलाता है। मिलावट से न सिर्फ खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम हो जाती है, गुणवत्ता कम हो जाती है मिलावट से न सिर्फ खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम हो जाती है बल्कि वह स्वास्थ्य के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी हानिकारक होती है।
इसी प्रकार से देखिए एक नया क्वेश्चन यहाँ से तैयार करते हैं, फिर आगे कुछ पदार्थ देखेंगे जिनमें मिलावट की जाती है। अपन डेली यूज में कोल्ड ड्रिंक्स का अधिक मात्रा में खूब सेवन करते हैं गर्मी के दिनों में। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसका सेवन करने से हमारे शरीर पर कौन कौन से घातक प्रभाव देखने को मिलते हैं उन पर थोड़ी जानकारी करना चाहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से प्रभाव। तो एक बार और सुने इसको, किसी खाद्य पदार्थ में गैर जरूरती पदार्थों की मात्रा बढ़ाए जाने या इसे बिक्री हेतु अधिक आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से किसी अन्य सस्ते अखाद्य या हानिकारक पदार्थों का मिलाया जाना क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। मिलावट करने से न सिर्फ खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम हो जाती है बल्कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। तो देखिए मिलावट का ही एक बिंदु पढ़ते हैं अभी, कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से होने वाले प्रभाव। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स से शरीर पर होने वाले प्रभाव। देखिए कौन कौन से प्रभाव कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से पड़ते हैं, आपको अभी ये पता नहीं है, अभी केवल कॉमनली रूप से अपन इनका इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, है ना, ड्यू वगैरह, मैरिंडा, तमाम तरीके के कोल्ड ड्रिंक्स अपने यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन यदि इनके रासायनिक संगठन की बात करें कि ये किन से मिलके बने होते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी आँखें चौंधिया जाएंगी, हम वास्तव में जान जाएंगे कि ये तो कितने नुकसानदायक पदार्थ होते हैं, इनका सेवन किया ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम अज्ञानतावश इनका सेवन करते हैं और इनके कुप्रभावों का शिकार भी हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करने से शरीर पर कौन कौन से इफेक्ट निकल के आते हैं। नंबर फर्स्ट चीज, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला फॉस्फोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है भाई? फॉस्फोरिक अम्ल किस पर प्रभाव डालेगा? दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला फॉस्फोरिक अम्ल दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें लोहे को गलाने की क्षमता होती है। नंबर सेकंड, इसमें मिलाया जाने वाला एथिलीन ग्लाइकॉल इसमें मिलाया जाने वाला एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है मीठा जहर कह सकते हो हम भाषा में,
मीठा जहर क्या इफेक्ट छोड़ता है? ये जो मीठा जहर होता है एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है शून्य डिग्री पर पानी को नहीं जमने देता है। इसके अतिरिक्त कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे एरिथोबोरिक बोरिक व बेंजोइक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लता प्रदान करते हैं इनके प्रभाव से पेट में जलन और एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ जाती है। इनके प्रभाव से पेट में जलन और अम्लता क्या है बढ़ जाती है। इसमें सीसा भी मिलाया जाता है 0.4 PPS सीसा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सीसा मिलाया जाता है जो यकृत गुर्दे मांसपेशियों आदि को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है, अर्थात इन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कैसे प्रभाव डालता है? इन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा इसमें मिलाया जाने वाला कैफीन, क्या मिलाया जाता है? कैफीन, ये जो होता है वो अनिद्रा, क्या अनिद्रा मिलाया जाने वाला जो कैफीन होता है वो अनिद्रा और सिरदर्द का कारण बनता है। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक्स की बात हुई, अपन कोल्ड ड्रिंक्स का जो सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स तैयार किया जाता है तो इनमें ये चीज़ें मिलती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है वो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, क्योंकि इसमें लोहे को गलाने तक की क्या मिलती है? क्षमता मिलती है। इसमें मिलाया जाने वाला जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है, जैसे आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं, ये 0 डिग्री पर पानी को नहीं जमने देता है। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले एरिथोबोरिक व बेंजोइक एसिड जो होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स की अम्लता को बढ़ा देते हैं, अर्थात अम्लता प्रदान करते हैं। इनके प्रभाव से पेट में जलन और अम्लता बढ़ जाती है। इसमें सीसा मिलाया जाता है जो यकृत गुर्दे मांसपेशियों आदि के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। और कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय जो इसमें कैफीन मिलाया जाता है, ये कैफीन अनिद्रा व सिरदर्द की शिकायत पैदा करती है। कुछ परीक्षणों में इनमें कीटनाशी के भी अंश पाए जाते हैं। कीटनाशी के अगला पॉइंट लिख सकते हैं, कुछ परीक्षण यदि किए जाएं तो इनमें कीटनाशी के अंश मिलते हैं। किसके अंश मिलेंगे? कीटनाशी के अंश मिलते हैं जो कि स्वास्थ्य पर
कैसा प्रभाव डालते हैं? प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जो कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इनके कारण उपापचय दर प्रभावित होती है, अनावश्यक कैलोरी के कारण शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे हानिकारक इफेक्ट्स जो होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स के जो हानिकारक इफेक्ट्स होते हैं उनसे यदि अवगत कराएंगे हम तो इनके प्रयोग से बचा भी जा सकता है। आइए कुछ खाद्य पदार्थों में मिलावट के एग्जांपल्स देखते हैं। देखो यहाँ खाद्य पदार्थ लिख रहा हूँ मैं, खाद्य पदार्थ, और इस जगह पे लिख रहा हूँ मैं मिलावट। ये याद होने चाहिए आपको, एक एक नंबर के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अरहर दाल, दाल होती है अरहर की, अरहर की दाल में जो मिलावटी चीज है वो खंसारी की दाल मिलाई जाती है। किसकी दाल मिलाई जाती है? खंसारी, खंसारी की दाल मिलाई जाती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसका दुष्प्रभाव क्या निकल के आता है, तो बिल्कुल कह देंगे आप गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, लेथाइरिज्म पैरालिसिस की शिकायत बढ़ जाएगी। दूसरा है सरसों, क्या है? सरसों, सरसों में क्या मिलाया जाता है? सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, सत्यानाशी के बीज या सस्ता पाम ऑयल मिलाया जाता है, सस्ता पाम ऑयल मिलाया जाता है। इससे भी गुणवत्ता में क्या आ जाती है बेटा? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? गुणवत्ता में कमी आ जाती है। देखिए दोनों एक साथ लिख दिए मैंने, सरसों में क्या मिलेगा? सत्यानाशी के बीज, और सरसों के तेल में क्या मिलेगा? सस्ता पाम ऑयल। ये दोनों पृथक पृथक हैं, चाहे अलग पढ़ दो, सरसों, सरसों को लिख दो सत्यानाशी के बीज, और सरसों का तेल यदि आप यहाँ पे करना चाहते हैं लिख सकते हैं अगले पॉइंट में, सरसों का तेल, सरसों का तेल, तो इसमें जो मिलेगा वो कौन मिलेगा? सस्ता पाम ऑयल, सस्ता पाम ऑयल मिलाया जाता है। इसके अलावा हल्दी, क्या है? हल्दी में लैड क्रोमेट, लैड क्रोमेट क्या मिलाते हैं? लैड क्रोमेट या फिर पीली मिट्टी, क्या मिला सकते हैं? पीली मिट्टी मिलाते हैं। ये मिलावटी पदार्थ है। इन सब से गुणवत्ता में पदार्थों की में क्या आती है? कमी आती है। हल्दी के बाद में एक मिलता है आपका, जैसे बेसन है, बेसन, बेसन में खाद्य पदार्थ मिलावट के रूप में जो यूज करते हैं बेसन में क्या डालते हैं? मक्के का आटा। क्या मिलता है? मक्के का आटा। इससे इसकी गुणवत्ता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। देसी घी में, देसी घी, देसी घी में क्या मिलाते हैं? वनस्पति घी, वनस्पति घी। एक इसी तरीके से दूध, दूध में यूरिया, एक दो याद रखो, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, इन पदार्थों की क्या की जाती है? मिलावट की जाती है। लाल मिर्च का पाउडर देखा होगा, मिर्च पाउडर या लाल मिर्च का पाउडर आप कह सकते हैं, इसमें लाल ईंट का पाउडर मिलाया जाता है, लाल ईंट
का पाउडर मिलाया जाता है। और यदि अपन काली मिर्च की बात करें, काली मिर्च तो काली मिर्च में मिलावट के रूप में क्या प्रयुक्त करते हैं, पपीते के बीज। किसके बीज? पपीते के बीज, पपीते के बीज। तो दोबारा देख लीजिए और बता दूंगा, दो चार पाँच। अरहर की दाल में क्या मिलती है? खंसारी की दाल। क्या मिलती है? खंसारी की दाल। सरसों में क्या मिलाते हैं? सत्यानाशी के बीज। क्या मिलाते हैं बेटा? सत्यानाशी के बीज। और सरसों के तेल में क्या मिलाया जाता है? सस्ता पाम ऑयल। क्या मिलाया जाता है? सस्ता पाम ऑयल। हल्दी में लाल क्रोमेट या फिर पीली मिट्टी। बेसन की बात करें तो मक्के का आटा। देसी घी में वनस्पति घी। दूध में यूरिया डिटर्जेंट। मिर्च पाउडर की यदि हम बात करें तो मिर्च पाउडर में क्या मिलाते हैं? लाल ईंट का पाउडर। और यदि काली मिर्च की बात करें तो इसमें क्या मिलाए जाते हैं? पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। और देख लीजिए एक आध एग्जाम्पल। यदि फल सब्जी की बात करें, फल और सब्जी, तो इनमें क्या मिलाया जाता है? कृत्रिम रंग मिलाया जाता है। इसमें क्या मिलाया जाता है? कृत्रिम रंग, कृत्रिम रंग। कृत्रिम रंग मिलाया जाता है। और यदि मावा की बात करें, मावा, मावा में मिलाया जाता है क्या? स्टार्च। क्या मिलाते हैं? स्टार्च। गोभी को आकर्षक दिखाने के लिए, किसको? गोभी। गोभी पर किस विलयन का छिड़काव करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। किसके विलयन का छिड़काव करते हैं? गोभी को आकर्षक ताज़ा दिखाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का छिड़काव किया जाता है। इसी प्रकार से सौंफ, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, कौन सा रंग? कृत्रिम हरा रंग। आदि ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं इन। अब देखिए, हमने प्रारंभ में भी परिभाषा पढ़ी थी कि गैर जरूरती पदार्थ को मिलाया जाना किसी दोष उद्देश्य से, उसकी बिक्री के उद्देश्य से या अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उसमें गैर जरूरती सामानों का मिलाया जाना क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। इस मिलावट करने से उस पदार्थ की गुणवत्ता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और इन पदार्थों का सेवन फिर स्वास्थ्य के लिए क्या करता है? अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा यदि हम बात करें नकली दवाओं का धंधा करने वालों की, जो लोग नकली दवाओं का धंधा करते हैं उन्होंने तो इसकी हद ही पार कर दी है। नकली दवाओं का धंधा करने वालों ने तो मिलावट की सारी हदों को क्या कर दिया है? पार कर दिया है। सारी हदों को पार कर दिया है। और इसके लिए ऐसे 1954 में खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निषेध अधिनियम के तहत यह कानून 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है। लेकिन याद रखे, ये दोषी लोगों को सजा दिलाने में ये जो एक्ट बनाया गया था, एक समिति है, ये समिति का गठन किया गया था खाद्य पदार्थों में मिलावट व नकली दवाओं का धंधा करने वालों, दुरुपयोग जो करते हैं उनके खिलाफ इस समिति का गठन किया गया। और इसकी कमी ये रही कि ये किसी दोषी व्यक्ति को, ये जो समिति है जिसका गठन किया गया है एक्ट का, ये एक्ट किसी दोषी व्यक्ति को आज तक सजा दिलाने में क्या रहा है? नाकाम रहा है। इसलिए खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? एक ऐसे नियम बनाने की आवश्यकता है जिसकी कड़ी अनुपालना की जा सके और उसको लागू भी किया जा सके। तो इस तरीके से आपका ये पहला जो चैप्टर है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जो कि 4 नंबर का था, फिनिश होता है। ओके, थैंक यू ऑल।